फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे एडजस्ट करके किया तो वो आप और आपको अनोखा एंगल देखने मिलेगा। सो अभी फिलहाल इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे। हेलो, अब तगड़ा व्यू आएगा और एक बार व्यू दिखा देता हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज है 25 दिसंबर, तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज का कुछ प्लान है तो वो प्लान आपको बाद में पता चलेगा। अभी बज रहा है 11, बिकॉज मेरा लेट हो गया था उठने में और कल रात को मतलब सोने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और अभी फ़िलहाल सुमित मतलब कहीं बाहर है, कुछ काम कर रहा है, तो उसके वजह से सुमित का भी कुछ काम से बाहर गया हुआ है। सो वो आएगा और अभय है हमारे साथ। सो क्या प्लान रहता है क्या नहीं, वैसे थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा थोड़ा बहुत, बट वीडियो पे रहना और क्या होता है क्या नहीं सीन वो बाद में दिखाएंगे, तो देखते रहो भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फिलहाल अभी मैं हूँ स्टेडियम पे और आपको एक बहुत बड़ा चीज़ दिखाना था। मैं मतलब कैमरा एंगल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जो फ्रंट से आता है तो स्कूटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे एडजस्ट करके किया, तो वो अब देख लो मैंने कैसे कर रहा है भाई। सो गाइस, ये वाला जो कैमरा है तो यहाँ पे जैसे तैसे एडजस्ट करके लगाएंगे। और सुपर बाइक में तो भाई यहाँ पे रहता है तो एंगल बहुत ही अच्छा आता है, बट फिर भी अपन जुगाड़ करके यहाँ पे लगाएंगे और आपको अनोखा एंगल देखने मिलेगा। सो अभी फ़िलहाल इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे फाइनली ठीक कर दिया, बस ये वाला थोड़ा पोर्शन ढीला होके रखा हुआ था, तो इसको अभी पहले ठीक से फैला लेते हैं। सो गाइस, यहाँ से अब तगड़ा व्यू आएगा, बस कैमरा सेटअप यहाँ पे होगा फिर व्यू देखना। सो गाइस, हेयर इज़ द न्यू कैमरा सेटअप रेडी। सो अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स देखने मिलेगा। सो ये था नया सेटअप। सो हेलो गाइस, अभी फिलहाल रेडी वेडी हो चुके हैं और हम लोग का प्लान था सिटी सेंटर जाने का, बट डॉन बॉस्को जाएंगे बिकॉज डॉन बॉस्को में ज़्यादा क्राउड रहेगा, तो वहाँ पे कैसा होता है कैसा नहीं चेक करते हैं। अभी सुमित और अभय आ रहे हैं, फिलहाल हम लोग फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल भरा रहे हैं, तो अभी निकलते हैं भाई यहाँ से। तो लोग फिलहाल अभी निकल चुके हैं हम लोग और हम लोगों के साथ चार गाड़ी जा रहा है, तो अभी फिलहाल डॉन बॉस्को जाएंगे बिकॉज सिटी सेंटर का जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। और भाई हम लोग जो जिस लोकेशन पे जा रहे हैं उस लोकेशन पे हर मतलब एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस, तो आप कभी भी आओ गुवाहाटी या फिर बाहर से तो सेलिब्रेट करके जाओ। और यहाँ पे अभी फिलहाल भीड़ ज़्यादा होकर रखा है और वहाँ पे तो पता नहीं कितना क्राउड होगा। और हमारे साथ सुमित अभय और भी बहुत लोग हैं, तो सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप लोगों को, तो फिलहाल देखते रहो अभी। तो फिलहाल ज़्यादा दूर है नहीं, ऑलमोस्ट 1 या फिर 1.5 किलोमीटर होगा, तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन ना माने, मिली जो ये जो। यहाँ पे भाई पूरा जाम होकर रखा हुआ है, बस पार्किंग करने का प्लेस मिल जाए भाई वही बहुत बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। तो बस जिस साइड है डॉन बॉस्को, तो यहाँ पे अभी फिलहाल पार्किंग वगैरह कर देते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं भाई। तो यहीं पे रख देते हैं, फिर आके ले जाएंगे। ओह, सो गाइस फिलहाल अभी पहुंच चुके और मैंने वहाँ पे पार्क लगा दिया और फ्रेंड्स लोग वहाँ पे हैं। सो अभी अंदर जाके दिखाते हैं और कितना क्राउड रहता है कितना नहीं वो चेक करना भाई। ओ भी जी वस्तु जैसे सबो पाए सो जीवन कितने और सबो न पाओ। पुष्पा पुष्पा ए पुष्पा ए बारे साहब सूरज फिलहाल अभी यहाँ आए थे और यहाँ पे मतलब क्राउड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अभी क्राउड बहुत ज्यादा है और भी क्राउड है, मतलब ऊपर से आप साइड से दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्राउड दिखना मिलेगा। तो यहाँ पे भी चेक कर लो भाई क्राउड। सो अभी ऊपर चलते, ऊपर जाके क्राउड दिखाता हूँ फिर आपको। हेलो, अरे गेट Thank you.
सो गाइस अभी हम लोग बैक साइड पे है बिकॉज वहाँ पे बहुत क्राउड था तो इसीलिए थोड़ा बैक साइड पे आए। और सुमित भाई क्या क्राउड के बारे में कुछ बोलना मतलब बहुत ही इधर भीड़ था मतलब इसीलिए हम लोग आए थोड़ा मतलब साइड पे फोटो शूट करने के लिए। सो फिलहाल अभी फिर भीड़ पे जाएंगे और जाके देखते हैं कि क्या होता है भाई। सो गाइस प्लान में अभी थोड़ा चेंजेस हो गया है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था तो ब्लॉगिंग का थोड़ा बहुत फुटेज आया बट मुश्किल से हो रहा था बहुत। तो अभी फाइनली प्लान बना है कि सिटी सेंटर, तो वैसे तो अभी लोग जाएंगे नहीं तो अभी फिलहाल सिटी सेंटर जाएंगे। सिटी सेंटर पे वहाँ भी बहुत अच्छा डेकोरेशन होके रखा हुआ है तो अभी टाइम है अभी आई थिंक 8:30 होके रखा हुआ है। तो अभी बारिश भी धीरे धीरे रहा है पता नहीं क्या होगा। तो अभी फिलहाल जाते हैं सिटी सेंटर और वहाँ क्या क्या सीन होता है तो वो देखते रहो भाई। तो फाइनली मतलब सिटी सेंटर जाने का प्लान नहीं था बिकॉज यहाँ पे जाम देखो पूरा जाम होके रखा है आई थिंक 1 या 2 घंटा लग जाएगा तो इसीलिए रुद्राक्ष आ चुके हैं हम लोग। और ये भी प्लेस बहुत ही अच्छा है यहाँ भी अच्छा से सेलिब्रेट किया जाता है तो सिटी सेंटर भी अभी रुद्राक्ष जाएंगे हम लोग बिकॉज टाइम भी बहुत हो चुका है ऑलमोस्ट 9:00 हो चुका है भाई। तो फटाफट यहाँ से आपको व्यू दिखा के फिर निकलना भी है घर से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था तो इसलिए हम लोग सोचे थे कि सिटी सेंटर जाने के लिए बट सिटी सेंटर जाने में भी जाम बहुत हो गया। तो हम लोग आए थे अभी रुद्राक्ष तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है और यहाँ से व्यू देखो। और भाई हम लोग का 1K फैमिली बहुत जल्द होने वाला है सो होप कि फटाफट हो जाए जनवरी से पहले बिकॉज 30 December को मेरा बर्थडे है तो उससे पहले हो जाएगा तो आपका भाई को भी खुश होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। सो अभी निकलने का टाइम हो चुका है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और एक बार व्यू दिखा देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे एंड ऑलवेज ड्रीम एंड बाय बाय।